हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा। मैं आज आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक मान लीजिएगा। हम आज डिस्कस करने वाले हैं वेव फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और इनके कुछ ग्राफ स्टडी करेंगे, इनके बारे में कुछ जानेंगे। इनके ग्राफ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वेव फंक्शन एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आइए मैं पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं। मैंने इस टॉपिक से पहले आपको एक चीज पढ़ाई थी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस के वी साइन एच स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी हुआ करती थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी हुआ करती थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मैंने ये बताया था कि ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था आपका, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन करने के लिए सबसे लास्ट मॉडल था हमारा, ठीक है। जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प लेकर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्टली वैल्यू आती हैं आपकी इलेक्ट्रॉन्स की, एग्जैक्टली वैल्यू आती हैं अगर आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए इन्हें कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन से अदर एलिमेंट्स के लिए, अदर एटम्स के लिए अगर श्रोडिंगर को कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू तो आती हैं लेकिन वैल्यू एग्जैक्टली नहीं आती हैं। वैल्यूज एग्जैक्टली वैल्यू के थोड़ा आसपास कहीं आती हैं, थोड़ा आसपास कहीं वैल्यू आती है, उस एग्जैक्टली वैल्यू के आसपास नहीं आती, थोड़ा आसपास कहीं आती है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जो कार्टिशियन कोऑर्डिनेट है हमारे, है ना, जो हमारे कार्टिशियन कोऑर्डिनेट है, ये दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, ठीक है। मान लो आपकी आर डिस्टेंस पे किसी इलेक्ट्रॉन की आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है कार्टिशियन कोऑर्डिनेट में, तो हम कार्टिशियन कोऑर्डिनेट में हम यूज करते हैं r थीटा एंड फाई, r थीटा फाई का यूज करते हैं कार्टिशियन कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं r थीटा एंड फाई, और r थीटा फाई को यूज कर आपको एग्जैक्टली वैल्यू मिलती हैं, आपको किसी भी अदर एटम्स के लिए एग्जैक्टली वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो ये रेडियस है, तो फाइनली दिस इज द, ये आपका होता है r और z एक्सिस के बिटवीन आपका होता है, दिस इज द फाई, और ये भी आपकी रेडियस है, और एक्स एक्सिस और रेडियस के बिटवीन ये आपका हुआ करता है थीटा, ठीक है। तो ये आपके कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोलर आर थीटा फाई को यूज कर, ठीक है, कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट को यूज कर आप एग्जैक्टली वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को वेव्स की तरह माना गया, ऑर्बिटल को वेव की तरह कंसिडर किया गया, वेव फंक्शन की तरह कंसिडर किया, और आपका जो ऑर्बिटल होता है वो दो कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। आपका जो वेव होता है ऑर्बिटल का वो दो कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, एक तो साई आर पर और एक डिपेंड करता है साई थीटा फाई पर, ठीक है। जो साई आर होता है ये आपका होता है रेडियल पार्ट, जो साई आर होता है आपका वो तो होता है आपका रेडियल पार्ट, ये जो वाला पार्ट होता है ये आपका होता है एंगुलर पार्ट, ठीक है, ये आपका एंगुलर पार्ट होता है। रेडियल पार्ट जो होता है आप उससे डिस्टेंस का पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस का न्यूक्लियस के अराउंड, थ्री डी में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस का पता करते हैं तो आपको रेडियल पार्ट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन वो किस एक्सिस में है, किस एंगल पर है, किस ओरिएंटेशन में है,
तो उसके लिए हमें उसके एंगुलर पार्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है वो डिपेंड करता है दो पार्ट पर, एक रेडियल पार्ट एक एंगुलर पार्ट। ठीक है, रेडियल पार्ट से आप डिस्टेंस का पता करते हैं और एंगुलर पार्ट से उसकी एक्सिस का एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स का ओरिएंटेशन का पता करते हैं। जो रेडियल पार्ट होता है वो आपका ओनली डिपेंड करता है एन और एल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और आपके एंगुलर क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है रेडियल। और जो आपका एंगुलर पार्ट है जिसका थीटा, एंगुलर का जो थीटा है ओनली थीटा, थीटा डिपेंड करता है आपका एल और एम पर, एल और एम पर। और जो फाई है आपका कोऑर्डिनेट वो ओनली डिपेंड करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियल पार्ट किस पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल और आपका एंगुलर क्वांटम नंबर्स पर, थीटा एंगुलर और मैग्नेटिक पर, और फाई ओनली मैग्नेटिक पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, पहले आप इन्हें नोट कर लें, फिर मैं इनके बारे में और आगे बात करूंगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिएगा। फाइनली इन दोनों ग्राफ का क्या एरर था वो मैंने आपको बता दिया है ना। फाइनली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का आप स्क्वायर कर देते हैं तो रिलेशंस हो सकता है। आइए हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ पहले काम करते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साइन टू से हम शो कर रहे हैं, तो साइन टू और रेडियस का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, साइन टू और रेडियस का ग्राफ बनाते हैं वही 1s और 2s के लिए। ठीक है, 1s और 2s के लिए रेडियस और साइन टू का रेडियस, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो आपका ग्राफ ये आएगा। ठीक है, और अगर 2s के लिए बनाते हैं तो ये आपका ग्राफ आएगा, ये ठीक है। दिस इज द नोड, ये एक नोड होगा, यू नो नोड, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो। आप समझते हैं, अगर 2s में बनाता तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ये फर्स्ट शेल है, ये फर्स्ट शेल है जहां इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, और फिर ये एक फ्री स्पेस आएगा, फिर एक 2s आएगा और ये वो फ्री स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, ये वही नोड है। ठीक है, ये वही नोड है। तो फाइनली दिस इज द ग्राफ ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ रेडियस, है ना, दिस इज द ग्राफ। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ जब मेरे ग्राफ प्लॉटेड किए तो मेरी एक चीज तो समझ में आई कि सर एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती थी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो पॉजिटिव हो गई क्योंकि साइन स्क्वायर कर देंगे तो भाई नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो ये काम तो मेरा हो गया, एक प्रॉब्लम तो दूर होगी, लेकिन एक प्रॉब्लम मेरी फिर भी सॉल्व नहीं होती कि रेडियस जीरो पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस के पास होनी चाहिए, वो तो फिर भी नहीं। रेडियस जीरो पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए न्यूक्लियस के पास, वो तो फिर भी नहीं है। तो ये भी प्रॉपर मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं करता। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ वेव फंक्शन एंड रेडियस, दिस इज द ग्राफ ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड रेडियस, 1s एंड 2s ऑर्बिटल। आप इसे पॉज करके नोट कर लें। अब हम बात करेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की। ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात करेंगे, पॉज करके इसे नोट कर लें। तो फाइनली हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गई। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में भी एक कमी थी, वो भी मैंने आपको बता दी कि आर जीरो पर वो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी नहीं बताता न्यूक्लियस के पास। ठीक है, चलिए, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, न्यूक्लियस के किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी एटम्स के इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से आप पता कर सकते हैं। डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, आप पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहता है कि सर मेरे पास एक सर्कुलर, मेरे पास एक एटम का न्यूक्लियस है, ये उसकी डिस्टेंस आर है और ये एक और उसके आगे सर्कुलर शेल है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस है डी आर, एक छोटी सी डिस्टेंस है डी आर, एक लिटिल वॉल्यूम पर सर्कुलर शेल के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सर्कुलर शेल के अंदर, सर्कुलर शेल के अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की। रेडियल प्रोबेबिलिटी पता करनी पड़ेगी, रेडियल प्रॉपर्टी से, प्रोबेबिलिटी से ही आप सर्कुलर शेल में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो रेडियल प्रोबेबिलिटी होती है
आपकी जो रेडियल प्रोबेबिलिटी होती है, आपकी जो रेडियल टोटल रेडियल प्रोबेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ रेडियल शेल, वॉल्यूम ऑफ रेडियल शेल पे डिपेंड करती है ना। आपकी जो टोटल रेडियल प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ रेडियल शेल पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस है वो ऑनियन की तरह है। जैसे ऑनियन के ऊपर आप देखें एक लेयर के बाद एक लेयर होती है, बिल्कुल ऐसे ही आपके किसी एटम का न्यूक्लियस होता है, एक लेयर के बाद एक सर्कुलर शेल होता है, एक सर्कुलर शेल। उस सर्कुलर शेल की बात कर रहा हूँ, उस सर्कुलर शेल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पता कर रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है आपकी साई टू, और वॉल्यूम ऑफ रेडियल शेल होता है आपका 4πr² dr। फाइनली ये हो गया साई टू 4πr² dr। dr को बहुत से लोग कैंसिल एड टू भी कर देते हैं। तो ये आपकी आ गई रेडियल प्रोबेबिलिटी, ये आपकी आगे रेडियल प्रोबेबिलिटी, दिस इज द रेडियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आप रेडियल प्रोबेबिलिटी आपकी दो कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है, एक तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ रेडियल शेल। हालांकि मैं ऐसे प्रूफ कर सकता था, इस वाले वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम घटा दीजिए, आपकी प्रोबेबिलिटी रेडियल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन प्रूफ नहीं है हमारे 11th स्टैंडर्ड में, तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली इस रिलेशन को नोट कर सकते हैं कि रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। अब मैं इसके ग्राफ्स की बात करूंगा, पहले से पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, फाइनली हमने रेडियल प्रोबेबिलिटी निकाली है, रेडियल प्रोबेबिलिटी हमारी थी 2 4πr² dr, ठीक है, ये हमारी रेडियल प्रोबेबिलिटी थी। लेकिन dr की जो वैल्यू है बहुत छोटी होगी, और dr की वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी साइन 2 4πr², और इसी को हम लोग कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम नेगलेक्ट कर सकते हैं साई टू फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हम रेडियल प्रोबेबिलिटी को, ठीक है, रेडियस के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वही हमारे कहलाते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो मैं यहाँ 1s का, 2s का, 3s का और 2p का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी और रेडियस के वर्सेस। अब जैसे जैसे रेडियस बढ़ती है आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी आपको यहाँ मिलती है, ठीक है। फर्स्ट बोर ऑर्बिट के हिसाब से आपकी जो रेडियस थी वो 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। फर्स्ट शेल के लिए रेडियल प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ मिलती है, और ये बताता है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी आपकी बढ़ जाती है। यहाँ पे भी ये बात प्रूफ हो गई कि जब रेडियस जीरो है तो रेडियल प्रोबेबिलिटी 4πr² sin2 v 0 होगा। ये बात हमारे और कर्वों की तरह भी प्रूफ हो गई कि न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, ये बात हमारी यहाँ प्रूफ हो गई, ठीक है। इसी तरीके से 2s का जब हम रेडियल प्रोबेबिलिटी और रेडियस के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें दो पीक मिलेंगे, क्योंकि रेडियस बढ़ने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। ऐसे ही हम लोग 3s का प्लॉट करेंगे तो हमको तीन पीक मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेडियस बढ़ जाएगी, लेकिन 2p का करेंगे तो आपको एक ही पीक मिलेगा। हालांकि ये पीक आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पीक आप पता कर सकते हैं पहले से, कैसे, s के लिए जो नंबर ऑफ पीक होंगे, s के लिए जो नंबर ऑफ पीक्स होंगे वो n के इक्वल होते हैं, p के लिए जो आपके नंबर ऑफ पीक होते हैं पीक्स वो होते हैं आपके n-1 के इक्वल, और d के लिए आपके जो नंबर ऑफ पीक्स होते हैं वो आपके होते हैं n-2 के इक्वल। तो फाइनली ये क्लियर हो गया, 1s के लिए n की वैल्यू 1 है तो एक पीक आएगा, देखो एक ही आया, 2s के लिए n की वैल्यू 2 है तो आपको दो पीक मिलते हैं, 3s के लिए n की वैल्यू आपकी 3 है तो आपको तीन पीक मिलते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे 4s का बना सकते हैं, 5s का बना सकते हैं,
और 2p की बात करें तो 2p के लिए नंबर ऑफ पीक्स क्या था, n माइनस वन, तो 2 माइनस वन, तो फाइनली एक ही पीक आएगा, एक ही पीक आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कॉम्पिटिशन्स में आते हैं ऐसे टॉपिक, 11th 12th में तो कोई खैर नहीं पूछता ये सारे टॉपिक्स, कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। अच्छा लगा है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।